के श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ संभाग रीवा के संभागीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे को सीधी जिले के चुरहट एसडीओपी चंद्रगुप्त द्विवेदी द्वारा साजिशन फंसाने व धमकाने के मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने हेतु प्रदेश के गृह मंत्री के नाम संबोधित सिंगरौली कलेक्टर के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर संपदा सराफ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पदाधिकारियों ने मांग की कि चुरहट एसडीओपी चंद्रगुप्त द्विवेदी को तत्काल हटाया जाए, उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जाँच की जाए। जिले में इसी मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय देवसर ब्लॉक अध्यक्ष व चितरंगी ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा भी गृह मंत्री के नाम एसडीएम देवसर विकास सिंह व चितरंगी एसडीएम नीलेश शर्मा को दोनों ब्लॉक अध्यक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। इन दिनों ब्लॉक अध्यक्षकों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस प्रकरण पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चुरहट एसडीओपी चंद्रगुप्त द्विवेदी को हटाकर निष्पक्ष जांच कराई जाए। सिंगरौली से राजू दुबे की रिपोर्ट। श्रमजीवी पत्रकार संघ सिंगरौली ने आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? हमारे पत्रकार साथी अखिलेश पांडे, जो हम समझी की पत्रकार संघ के सदस्य भी हैं, उनको चुरहट एसडीओपी के द्वारा एक छोटे मामले में फंसाए जाने की कोशिश की जा रही थी और लगातार उसमें पीड़ित पक्ष, जबकि पुलिस अधीक्षक के सामने उपस्थित होकर उसने स्पष्ट किया था कि अखिलेश पांडे का इस घटना से कोई मतलब नहीं, लेकिन चुरहट एसडीओपी सीजी द्विवेदी के द्वारा उनके ऊपर दुर्भावनावश एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया और उसके खिलाफ ही हम सभी पत्रकार साथियों ने गृह मंत्री के नाम पे कलेक्टर सिंगरौली को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ये मांग की है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे की कार्यवाही हुई है उसको समाप्त किया जाए और जो चुरहट एसडीओपी सीजी द्विवेदी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनको हटा के और एक अलग जांच कायम की जाए।